हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरविंदर ठाकुर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मेरी दूसरी वीडियो को प्यार दिया, आप इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। दोस्तों, मैं आज आपको दो चीज़ों पे बात करूँगा, एक तो कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन। तो कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट स्ट्राइक होता क्या है? सबसे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक, आप किसी का बंदे का किसी भी इंसान की किसी भी मटेरियल यूज़ करते हो, किसी ने अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाई है तो वहाँ से कोई भी कंटेंट आपका यूज़ करते हो, चाहे उसकी पिक हो या वीडियो में से कोई थोड़ी सी क्लिप काट के रखी हो या कोई ऑडियो, तो उससे क्या होगा, आपके चैनल पे वो बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके चैनल पे अगर कंटिन्यू 3 स्ट्राइक्स आ गई, अगर आपके चैनल पे कंटिन्यू 3 स्ट्राइक्स चल रही हैं तो आपके चैनल को टर्मिनेट किया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा यूट्यूब के ज़रिए। तो ये सारा जो है ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, यूट्यूब की पॉलिसी और प्रोग्राम्स के ख़िलाफ़ है। और कम्युनिटी गाइडलाइंस, दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो कृपया करके किसी का भी कंटेंट यूज़ ना करें, और अपना ही जो भी ओरिजिनल कंटेंट आप यूज़ करते हैं, जिस पर आपको फुल भरोसा हो कि ये है और जो आपने खुद क्लिक किया हो, तो उसी को आप अपलोड करें। उसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती है और आपका चैनल आई थिंक अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। और सबसे पहले आपको यूट्यूब की गाइडलाइन के बारे में पता होगा कि 1 ईयर्स के अंदर आपका 1000 सब्सक्राइबर प्लस आपका 4000 का वॉचिंग टाइम होना चाहिए, तब जाके आपका चैनल अप्रूव हो सकता है और मोनेटाइज हो सकता है। अगर आपका ये टारगेट पूरा नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट मोनेटाइज तब तक नहीं होगा तब तक आपका चैन आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं तो करें, बट पहले सबसे अच्छी तरह से तैयार हों हर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, जितनी भी जो टर्म एंड पॉलिसीज हैं यूट्यूब की, उन सबको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद ही आप यूट्यूब पे काम करें। तो दोस्तों, ज़्यादा चाहते मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।